गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं केशव अग्रवाल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ आज आपके लिए। तो आज के लेक्चर में अपने पढ़ेंगे जो इंस्टीट्यूशंस हैं एग्रीकल्चर के, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन कब एस्टेब्लिश हुए, किसने इसको रिकमेंड किया, क्या इसका प्रोसेस रहा, उन सब चीज़ों को आज अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं दोस्तों, याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। आप लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो बहुत आपको क्या करना है, आपको इसको भाई रोज कम से कम एक बार, इनको एक बार पढ़ लोगे तो आपको ये एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगे। भाई होता क्या है कि भाई बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ, 69 में या 80 में? 69 और 80 दोनों में हुआ। तो अपने को क्या है कि अपने को ये याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं दोस्तों। तो एक एक करके इनको देखते हैं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहला अपना आता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो दोस्तों बैंकों का नेशनलाइजेशन कब, मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो सबसे पहली बात आती है बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था दोस्तों, कि पहले जो अपना वित्त सिस्टम था वो बहुत ही खराब था। जैसे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले जो गरीब मजदूर किसान लोग थे उनको क्या है कि जो ये आढ़ती होते थे, जो सेठ लोग होते थे, जो मतलब बड़े जमींदार लोग होते थे, तो वो क्या करते थे, उनको ब्याज पर पैसा देते थे और उसके बाद में उसकी ब्याज की एक बहुत ही बड़ी रकम उनसे लेते थे। तो मतलब वित्त सिस्टम बहुत ही गड़बड़ाया हुआ था और जो बैंकिंग सिस्टम था, बैंकिंग सिस्टम भी इन्हीं जो आढ़तीय थे या सेठ लोग थे या जो भी बड़े जमींदार लोग थे उन्हीं के अंडर में ये बैंक काम करते थे। उसके बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी है ताकि लोगों को अपनी एक सेफ्टी महसूस हो अपना पैसा बैंक में जमा कराने की, और दूसरा अगर उनको लोन की जरूरत है, ऋण की आवश्यकता है, तो एक कम ब्याज दर पर उनको उनका जो ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाए। तो दोस्तों अभी आपने देख सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीमें चलाई हैं, जैसे मान लो केसीसी है, केसीसी पर अगर किसान डिफॉल्टर नहीं है, टाइम पर पे कर रहा है, तो उसको 4% ब्याज पर जो है पैसा मिलता है। और अगर अपने जो पहले का सिस्टम देखें, जो बढ़िए आढ़तीय या जो जमींदार लोग थे वो बहुत ही बढ़िया अमाउंट लेते थे, 25-25%, 30-30% तक भी ब्याज लिया करते थे। तो इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत ही आवश्यक हो गया था। इसलिए उस टाइम पर जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस टाइम पर वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए। क्या ऑर्डिनेंस था? द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1969। मतलब बैंकों का, द बैंकिंग कंपनीज मतलब बैंकिंग कंपनीज थी, उनके लिए एक ऑर्डिनेंस आया जिसको क्या बोला, द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, ठीक है दोस्तों। ये कब आया था एग्जैक्टली? ये आया था 19 जुलाई 1969 में, 1969 में ये ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने पास किया था। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा इसमें किया गया। हर बैंक से 50 करोड़ रुपए डिपॉजिट करवा के उस बैंक का राष्ट्रीयकरण गवर्नमेंट ने किया। उसके बाद 1980 में गवर्नमेंट ने दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कब किया? 15 अप्रैल 1980 को गवर्नमेंट ने एक बार फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसमें जो गवर्नमेंट ने कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया,
तो छह बैंकों का नेशनलाइजेशन 1980 में किया गया और हर बैंक से गवर्नमेंट ने 200 करोड़ का डिपॉजिट लेकर उस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो दोस्तों इसमें क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, तो क्योंकि पहला ही ऑप्शन आपको ये दिया जाता है 1969। तो बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, 1969 टिक कर देगा और कहेगा कि सर मैंने तो सही आंसर टिक किया था, फिर भी मेरा पता नहीं क्यों गलत हो गया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण सिर्फ 1969 में नहीं किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और 1980 दो इयर्स में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले आप बाकी के ऑप्शंस को भी चेक कर लें कि कहीं उसमें आगे 1980 तो नहीं दिया गया। अगर 1980 दिया गया है तो फिर तो आपको उपरोक्त दोनों करने पड़ेंगे, शायद सी ऑप्शन में यह दिया जाएगा उपरोक्त दोनों। या फिर अगर ये क्वेश्चन आए कि सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, मतलब फर्स्ट टाइम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तब तो 1969। और अगर ये पूछ ले कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आप ऑप्शन चेक करें कि कहीं 1969 के साथ 1980 भी तो नहीं दिया गया। अगर दोनों ऑप्शन है तो वो दोनों ही आंसर आएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन पढ़ें और आंसर टिक करें, ठीक है? फिर बैंकों 1969 में बैंक कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो हर बैंक से कितना डिपॉजिट लिया गया? तो हर बैंक से 50 करोड़ रुपए डिपॉजिट लिया गया। फिर 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1980 में आपके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और कितना? हर बैंक से 200 करोड़ का डिपॉजिट लिया गया। तो ये था दोस्तों आपका क्या, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। फिर आपका आता है दोस्तों लीड बैंक स्कीम। दोस्तों लीड बैंक स्कीम क्या है? लीड बैंक स्कीम को सबसे पहले तो इसको किसने रिकमेंड किया? जो आपकी नरीमन कमेटी थी, नरीमन कमेटी के द्वारा लीड बैंकों को रिकमेंड किया गया, ठीक है? तो नरीमन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया। और ये एग्जिस्टेंस में कब आए, ये स्कीम जो है ये कब एग्जिस्टेंस में आई, कब इसका स्थायीकरण हुआ इस स्कीम का? तो 1969 में, 1969 में लीड बैंक स्कीम को लॉन्च किया गया। अब इस लीड बैंक को किस लेवल पर एस्टेब्लिश किया जाता है? तो लीड बैंक जो होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब जिला स्तर पर, हर जिला स्तर पर एक लीड बैंक होता है दोस्तों। फिर उसके बाद में लीड बैंक का आखिर रोल क्या है कि लीड बैंक करता क्या है? तो लीड बैंक आपका क्या करता है दोस्तों, जो पोटेंशियल एरिया है जहां पर बैंकिंग सिस्टम की आवश्यकता है, उन पोटेंशियल एरियाज को जो लीड बैंक है वो आइडेंटिफाई करने का काम करता है और वहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज उपलब्ध करवाने की कोशिश आपका लीड बैंक करता है। तो दोस्तों क्या है अब लीड बैंक स्कीम? तो लीड इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे आपके, क्वेश्चन आपके ये बनेंगे कि लीड बैंक स्कीम को किसने रिकमेंड किया? लीड बैंक स्कीम को नरीमन कमेटी ने आपके रिकमेंड किया। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि लीड बैंक स्कीम कब एग्जिस्टेंस में आई? तो लीड बैंक स्कीम आपकी 1969 में लीड बैंक स्कीम आपकी एग्जिस्टेंस में आई। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लीड बैंक स्कीम जो है उसको किस लेवल पर एस्टेब्लिश किया जाता है लीड बैंक को? तो लीड बैंक जो है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला स्तर पर एस्टेब्लिश किया जाता है। फिर लीड बैंक का कार्य क्या है? लीड बैंक का कार्य है कि जिला स्तर पर ऐसे पोटेंशियल एरियाज को
आइडेंटिफाई करना जहां पर बैंकिंग सुविधा की आवश्यकता है और वहां पर बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध करवाना, ये आपके लीड बैंक का काम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका लीड बैंक। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है आरआरबी। आरआरबी क्या है दोस्तों? आरआरबी इसकी फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये जो आपका रीजनल रूरल बैंक है, इसको किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो इसको नरसिम्हा कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था दोस्तों। तो कंफ्यूज नहीं होना, लीड बैंक को नरीमन कमेटी ने, और आरआरबी को किसने किया? आरआरबी को किया नरसिम्हन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। तो सबसे पहला जो ये ऑर्डिनेंस है वो कब पास हुआ इसके लिए? 26 सितंबर 1975। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ये रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई? तो रीजनल रूरल बैंक की जो आपकी स्थापना है वो 75 में हुई। और उसके बाद क्वेश्चन अगर ये पूछे कि रीजनल रूरल बैंक एक्ट कब पास हुआ, रीजनल रूरल बैंक एक्ट कब पास हुआ, तो वो 76 में, 1976 में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि रीजनल रूरल बैंक कब स्थापित हुए। रीजनल रूरल बैंक आपके स्थापित हुए 1975 में। और रीजनल रूरल एक्ट कब पारित हुआ? रीजनल रूरल एक्ट जो है आपका 1976 में पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल भी आपको। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि रीजनल रूरल बैंक के आपके काम क्या है। तो दोस्तों रीजनल रूरल बैंक नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब जो रीजनल रूरल बैंक है आपका वो ग्रामीण स्तर पर एस्टेब्लिश किया जाता है। तो ग्रामीण स्तर पर जो छोटे किसान लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, जो छोटे आर्टिशंस जो कलाकार होते हैं, छोटे कलाकार जो कुछ ये मटके वटके बनाते हैं और है, तो मतलब छोटे आर्टिशंस हैं, उन लोगों को जो लोन प्रोवाइड करवाना है, उनको क्रेडिट फैसिलिटी जो उपलब्ध करवाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? रीजनल रूरल बैंक। तो इसको मेनली एस्टेब्लिश करने का रीजन क्या था? रीजनल रूरल बैंक को एस्टेब्लिश करने का मेन रीजन ये था कि जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बैंक्स हैं या तहसील लेवल पर जो बड़े बैंक्स हैं उनका वर्किंग लोड कम किया जाए। कि हर अगर गांव गांव ग्रामीण स्तर पर अगर आपको रीजनल रूरल बैंक मिल रहा है तो ग्रामीण स्तर के लोग शहर की तरफ नहीं जाएंगे, उनका वर्किंग लोड नहीं बढ़ेगा, इसलिए रीजनल रूरल बैंक को मेनली स्थापित किया गया था। फिर क्या है इसका दूसरा क्या था? टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द वीकर सेक्शन ऑन मनी लेंडर, मतलब जो जमींदार लोग हैं उन पर वीकर सेक्शन जो कमजोर वर्ग है उनका डिपेंडेंस मतलब निर्भरता को खत्म करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। कि जो कमजोर वर्ग है उसका जो मनी लेंडर मतलब जमींदार लोग हैं उन पर उनकी निर्भरता खत्म करना रीजनल रूरल बैंक का एक ऑब्जेक्टिव था। फिर क्या था? टू हेल्प द पुअर फाइनेंशियल एंड टू मेक अ बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज इकोनॉमिकली बेटर ऑफ। फाइनली वी कैन से दैट आरआरबी हेल्प टू डेवलप द रूरल इकोनॉमी। मतलब क्या है? जो ट्राइबल एरियाज है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है, जो मतलब जहां पर आर्थिक रूप से जो बैकवर्ड एरिया हैं और यहाँ ट्राइबल एरियाज हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है उनको बेटर ऑफ करना, उनको अच्छा बनाना, और कुल मिलाकर जो है जो रूरल इकोनॉमी मतलब ग्रामीण जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देना, ये रीजनल रूरल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था।
ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका रीजनल रूरल बैंक। फिर आपका नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ आरआरबी, मतलब आरआरबी के करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो सबसे पहला कि आरआरबीज है कितनी, फिर टोटल नंबर ऑफ आरआरबीज है कितनी। तो टोटल नंबर ऑफ आरआरबीज 82 हैं दोस्तों, पूरे देश में टोटल नंबर ऑफ आरआरबीज 82 हैं। और आरआरबी की ब्रांचेस कितनी हैं, 16001। आरआरबी की 16001 ब्रांचेस हैं। सबसे ज्यादा ब्रांचेस आरआरबीज की कहां पर हैं, तो सबसे ज्यादा ब्रांचेस आरआरबी की यूपी यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्रांचेस आरआरबी की हैं। तो दोस्तों ये था आपका आरआरबी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा आरआरबीज पर कि सबसे ज्यादा ब्रांचेस ऑफ आरआरबीज कौन से प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आरआरबी की ब्रांचेस हैं। फिर आरआरबी जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ, आरआरबी आपका जो है 75 में एस्टेब्लिश हुआ। आरआरबी को कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया, आरआरबी को नरिशमन कमेटी ने रिकमेंड किया था। फिर उसके बाद में आपका आता है आरआरबी का मोटो क्या है, मतलब उसका लक्ष्य क्या है। आरआरबी का जो लक्ष्य है रूरल इकोनॉमी को बेटर ऑफ करना, अच्छा बनाना रूरल इकोनॉमी को, ये आरआरबी का मेन मोटिव है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट जो आपका आता है केसीसी। तो दोस्तों केसीसी क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है दोस्तों उसको किसने डिजाइन किया, किसने उसको बनाया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर नाबार्ड। तो इन तीनों ने मिलकर जो ये आपकी केसीसी स्कीम है इसको डिजाइन किया। और ये लॉन्च कब हुई ये स्कीम, ये स्कीम आपकी 1998-99 में आपकी केसीसी स्कीम है इसको लॉन्च किया गया। तो दोस्तों क्या है केसीसी स्कीम, आपको एक बताते हैं कि भी केसीसी स्कीम के फायदे क्या हैं। तो केसीसी स्कीम क्या है दोस्तों, ये आपको जो किसान लोग हैं उनको एक कार्ड प्रोवाइड करवाती है, लाइक एक एटीएम कार्ड होता है उस तरह का एक कार्ड प्रोवाइड करवाती है, जिसमें उस किसान को लोन प्रोवाइड करवाया जाता है 3 लाख तक का या 2.5 से 3 लाख तक का लोन उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो उस लोन की जो अमाउंट जो परसेंटेज होता है वो 7% पर ये लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 7 नहीं 4% होता है, तो उसका भी एक रूल है दोस्तों। उसका क्या रूल है कि अगर कोई व्यक्ति डिफॉल्टर नहीं है, मतलब वो अपनी जो लोन की अमाउंट है वो टाइमली पे कर रहा है, तो उसको उसमें 3% का सब्सिडी दिया जाता है, इस वजह से वो 4% हो जाता है। नहीं तो इसकी जो जो रिकमेंडेशन है वो 7% की है, लेकिन ये क्या है 3% पर उसकी सब्सिडी है, और इसलिए ये जो है आपका 4% पर लोन पड़ता है। तो इसका मेनली इसको लाया क्यों गया, तो इसका भी एक रीजन यही था कि जो बैंकिंग सेक्टर है उस पर वर्किंग लोड एक तरह से कम करना ही इसका एक रीजन भी था। क्योंकि जहां पहले लोन प्रोवाइड करवाया जाता था वो जैसे चेकबुक्स या इनके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता था, तो किसान लोग जिनको पैसे की बहुत जरूरत है, अगर उनको 2,000, 3,000 या 10,000 रुपये निकलवाने हैं तो वो लाइनों में लग के पैसा निकलवाते थे। अब ये कार्ड उनको प्रोवाइड करवा दिया तो उस कार्ड से वो डायरेक्ट पैसा निकलवा सकते हैं। अब ये केसीसी स्कीम किस लिए, किसानों को लोन किस लिए प्रोवाइड करवाती है, तो केसीसी स्कीम मेनली किसान को इनपुट्स प्रोवाइड करवाने के लिए लोन प्रोवाइड करवाती है। तो इनपुट्स कौन से हो गए दोस्तों, जैसे खाद, बीज, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स,
इन सब चीजों के लिए किसानों को लोन प्रोवाइड करवाती है ये केसीसी स्कीम के द्वारा गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो केसीसी स्कीम किसानों को इनपुट्स प्रोवाइड करवाने के लिए लोन प्रोवाइड करवाती है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका आरबीआई। आरबीआई क्या है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो है अपना सबसे बड़ा बैंक है, जो अदर्स जो बैंक्स हैं उन पर, अदर नेशनलाइज जो बैंक हैं उन पर कंट्रोल रखता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब एस्टेब्लिश किया गया दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है दोस्तों। ठीक है, तो रिजर्व बैंक क्वेश्चन क्या यही क्वेश्चन बनेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब एस्टेब्लिश किया गया? तो 1935 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपके है नाबार्ड। तो दोस्तों सबसे पहले तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि इसको कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया, तो इस कमेटी का बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो शॉर्ट में आपको क्रैफी कार्ड नाम की कमेटी है, इसने इसको रिकमेंड किया था। अब क्रैफी कार्ड क्या है दोस्तों? क्रैफी कार्ड है आपका कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज्यादा नहीं याद रखना, इतना बड़ा नाम नहीं देते, शॉर्ट में पूछते हैं, तो आपको याद रखना है क्रैफी कार्ड जो कमेटी है उसके द्वारा नाबार्ड को रिकमेंड किया गया था। और किसकी चेयरमैनशिप में इसको रिकमेंड किया गया था? तो बी शिवारमन की अध्यक्षता में इसको रिकमेंड किया गया था 1979 में। 1979 में इसको रिकमेंड किया था बी शिवारमन की अध्यक्षता वाली कमेटी में। तो इसको एस्टेब्लिश कब किया गया? 12 जुलाई 1982 में जो आपका नाबार्ड है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फिर नाबार्ड जो है, जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो कहें कि सबसे बड़ी जो संस्था जो है वो नाबार्ड है, जो एपेक्स बॉडी जिसको बोल सकते हैं फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में, वो कौन सी है आपकी? नाबार्ड। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में सबसे एपेक्स बॉडी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? वो है नाबार्ड। तो रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है? नाबार्ड। ठीक है, उसके बाद में नाबार्ड जो है वो तीन संस्था के मर्जिंग से, तीन संस्था के मिलने से बना है आपका नाबार्ड। अब वो तीन संस्था कौन कौन सी है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हो ADC। ठीक है, फिर आपका आता है एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट, मतलब ACD। तीसरा आपका आता है रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, मतलब RPCC। आप शॉर्ट में याद रखो ADC, ACD एंड RPCC। तो ADC का क्या मतलब है? ADC का मतलब है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दूसरा ACD, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। तीसरा RPCC, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल।
ठीक है, तो क्वेश्चन आपका नाबार्ड से क्या बन सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन कि नाबार्ड को कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया? तो नाबार्ड को क्रेफी कार्ड नाम की कमेटी ने रिकमेंड किया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? क्रेफी कार्ड कमेटी जो थी उसके अध्यक्षता चेयरमैनशिप किसने की? तो बी शिवरामन जी ने उनकी अध्यक्षता की। फिर इसको कब रिकमेंड किया गया? रिकमेंड इसको 1979 में किया गया। एस्टेब्लिश कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो रूरल डेवलपमेंट है उसकी अपेक्स बॉडी कौन सी है? नाबार्ड। एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए सबसे अपेक्स बॉडी कौन सी है? नाबार्ड। नाबार्ड किन किन इंस्टीट्यूशंस के मर्जिंग से बना है? एडीसी, एसीडी एंड आरपीसीसी के मर्जिंग से नाबार्ड बना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक को कब एस्टेब्लिश किया गया? वर्ल्ड बैंक जो आपका है 1945 में आपका वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश किया गया था। और वर्ल्ड बैंक ने अपना कार्य कौन से ईयर में स्टार्ट किया? वर्ल्ड बैंक ने अपना कार्य 46 में शुरू किया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? नॉर्मल एक ही सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, वो ये बनेगा कि वर्ल्ड बैंक को कब एस्टेब्लिश किया गया? वर्ल्ड बैंक को 45 में एस्टेब्लिश किया गया। और इसने अपने ऑपरेशंस कब स्टार्ट किए? तो वर्ल्ड बैंक ने अपने ऑपरेशन 46 में शुरू किए। नेक्स्ट का आता है दोस्तों टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग दोस्तों क्या है कि अपने इंडिया में किस किस इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में किस तरह की फार्मिंग की जाती है? तो सबसे पहली आपकी आती है दोस्तों स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या है दोस्तों? ऐसी फार्मिंग जिसमें एक सिंगल एंटरप्राइज, मतलब किसी भी एक एंटरप्राइज या एक उद्योग से आपको 50% से अधिक इनकम प्राप्त हो, मतलब आपको जितनी इनकम हो रही है टोटल पूरे साल में, उस अकेले उद्योग से उसमें आपको 50% से अधिक अगर इनकम हो रही है आपको, तो वो आपकी कहलाती है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। अब स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? जो नॉर्मली किसानों के द्वारा की जाती है वो होती है आपकी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। आप एरिया वाइज ले सकते हैं, जैसे यूपी पंजाब ये एरिया है जहां पर पैडी, पैडी मतलब राइस, राइस को बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तो वहां के किसानों के लिए जो पैडी कल्टीवेशन है, जो राइस कल्टीवेशन है, वो क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है, क्योंकि उसमें उनको 50% से अधिक जो इनकम है उनको राइस में ही होती है एक सीजन में। उसके अलावा वो दूसरी सीजन से दूसरी क्रॉप से उनको इतना इनकम नहीं होता है। या आप ले लो शुगर केन फार्मिंग, जो अपने यूपी के एरियाज हैं जहां पर, या साउथ के एरियाज हैं जहां पर जो गन्ने का कल्टीवेशन जो किया जाता है, शुगर केन का कल्टीवेशन, उससे अगर सिंगल आपको एंटरप्राइज से 50% से 50% से अधिक इनकम हो रही है, तो वो भी क्या कहलाएगी? आपकी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। तो क्या इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं? पैडी फार्मिंग, शुगर केन फार्मिंग। तो बस आपको मेनली एक ही चीज याद रखनी है कि भाई आपको उस सिंगल एंटरप्राइज से 50% से अधिक इनकम होनी चाहिए, तभी वो आपकी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहलाएगी। फिर दूसरा आपका आता है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। तो दोस्तों डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या आता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ उद्योगों को एक साथ किया जाता है, कुछ उद्योगों को एक साथ किया जाता है। इसमें क्या रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि आपको एक सिंगल जो एंटरप्राइज है उस सिंगल एंटरप्राइज से 50% से अधिक आपको इनकम नहीं होनी चाहिए। तो
तो देखो इसने क्या कहा है, नो सिंगल एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द टोटल फर्म्स इनकम। मतलब एक सिंगल जो एंटरप्राइज है उससे आपको इनकम जो है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे कुछ लोग क्रॉप के साथ साथ लाइव स्टॉक और पोल्ट्री सब तीनों तीन चार मतलब ये जो एंटरप्राइज होते हैं इनको एक साथ लेकर चलते हैं, तो किसी उसकी सालाना इनकम या एक सीजनल इनकम जो है उसमें क्या है, उसको सिर्फ एक एंटरप्राइज से 50% से अधिक इनकम नहीं हो सकती। तो इस तरह की जो आपकी फार्मिंग है दोस्तों वो क्या कहलाएगी, आपकी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। फिर नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों मिक्स्ड फार्मिंग। अब दोस्तों मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि एक सिंगल एंटरप्राइज जो है उससे आपको 10% से तो अधिक इनकम होनी चाहिए लेकिन 49% से ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए। मतलब आप तीन चार एंटरप्राइज या तीन चार कार्य एक साथ कर रहे हैं, उद्योग एक साथ लगा रहे हैं, तो उसमें एक सिंगल एंटरप्राइज से आपको 10% से अधिक इनकम तो होनी चाहिए लेकिन 49% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की फार्मिंग आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, इस तरह की फार्मिंग आपकी कहलाएगी मिक्स्ड फार्मिंग। तो इस फार्मिंग में क्या रहता है दोस्तों, जैसे ये लाइव स्टॉक हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिशरी हो गया, इन सबको एक साथ किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। फिर आपका आता है रैंचिंग। तो रैंचिंग क्या है दोस्तों, रैंचिंग कोई फार्मिंग नहीं है, रैंचिंग एक तरह का क्या है कि एक खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान में ग्रेजिंग के लिए लाइव स्टॉक्स को छोड़ दिया जाता है, कोई पब्लिक प्लेस होता है जहां पर ग्रेजिंग के लिए लाइव स्टॉक्स को छोड़ दिया जाता है, पशुओं को छोड़ दिया जाता है, खाली एरिया होता है, तो उसको बोलते हैं रैंचिंग। तो रैंचिंग कोई आपकी फार्मिंग नहीं है, बस ये एक इसमें वर्ड जोड़ दिया गया है लेकिन एक तरह की कोई फार्मिंग नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका आता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है दोस्तों, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन तीनों को किस बेस पर डिवाइड किया है, इन तीनों को वर्षा की मात्रा के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, रेनफॉल के आधार पर इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट आपका आता है ड्राई फार्मिंग, सेकंड आपका आता है ड्राईलैंड फार्मिंग एंड तीसरा आपका आता है रेनफेड फार्मिंग। तो सबसे पहले देखते हैं अपने ड्राई फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग क्या है दोस्तों, ऐसी जगह ऐसे क्षेत्र जहां पर जो औसतन वार्षिक वर्षा जो एनुअल रेनफॉल जो है 750 mm से कम रहता है, तो ऐसे एरिया जो होते हैं वो ड्राई फार्मिंग के अंडर में आते हैं। तो ऐसे जो एरिया होते हैं इसमें क्रॉप फेलियर के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि बारिश बहुत कम है, पानी की मात्रा बहुत कम है, इस वजह से इस एरिया में जो क्रॉप फेलियर का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आपको डायरेक्ट याद क्या रखना है, ड्राई फार्मिंग क्या है, ड्राई फार्मिंग जहां पर एनुअल जो रेनफॉल जो है वो 750 mm से कम हो वो आपकी आ गई ड्राई फार्मिंग। फिर आपका आता है ड्राई लैंड फार्मिंग। अब ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है दोस्तों, ड्राई लैंड फार्मिंग जहां पर औसतन वार्षिक वर्षा 750 से 1150 mm के बीच में रहती है वो क्षेत्र आपका कहलाता है कौन सा, ड्राई लैंड फार्मिंग एरियाज। अब ड्राई लैंड फार्मिंग एरियाज में आपके क्रॉप फेलियर के चांसेस नहीं होंगे अगर आप क्रॉप मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को आप वहां पर इम्प्लॉय करते हो, वहां पर आप यूज करते हो जो मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज, मॉइस्चर मतलब मृदा की जो नमी है उसको कंजर्व करना, उसको संरक्षित करना, ये कार्य करते हो तो आपका क्रॉप फेलियर नहीं
होगा। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा आपका आता है रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग क्या है दोस्तों? ऐसे क्षेत्र जहां पर एनुअल रेनफॉल जो है आपका 1150 mm से अधिक रहता है, ऐसा क्षेत्र आपका रेनफेड फार्मिंग के अंडर में आता है। ऐसे क्षेत्रों में दोस्तों कई बार आपको जो है जो वाटर है वाटर को निष्कासित करने की भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऐसे एरिया में भरपूर पानी रहता है लेकिन पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो उसको निकालना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आपकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है हमेशा कि कौन सा किस में आता है। सबसे पहले ड्राई फार्मिंग 750 से कम, ड्राई लैंड आ गया तो 750 से 1150, अगर रेनफेड आ गया, रेनफेड तो नाम से ही आ रहा है, रेनफेड में क्या रहेगा 1150 से अधिक। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि क्रॉप फेलियर की समस्या सबसे ज्यादा कौन सी फार्मिंग में रहेगी, तो ड्राई फार्मिंग में सबसे ज्यादा क्रॉप फेलियर की समस्या रहेगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कौन सी फार्मिंग है जिसमें वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जरूरत पड़ेगी, मतलब जहां पर वाटर को निष्कासित करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसी कौन सी फार्मिंग है दोस्तों? ऐसी है आपकी रेनफेड फार्मिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो एक बार अपने इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या अपन ने पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ, एक फटाफट से रिव्यू लेंगे अपने। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 69 में हुआ और 80 में हुआ। ठीक है, और ये क्या नाम से इसका ऑर्डिनेंस पास हुआ, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1969। तो 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और 1980 में से 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। फिर नेक्स्ट आपका आता है लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम को कब एस्टेब्लिश किया, लीड बैंक स्कीम जो है आपकी 1969 में आई थी। इसको कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया, नरीमन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया। फिर उसके बाद में आता है लीड बैंक को किस लेवल पर एस्टेब्लिश करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसके बाद में इसका काम क्या है, ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहां पर बैंकिंग सुविधा की आवश्यकता है। फिर आपका आता है आरआरबी। आरआरबी की फुल फॉर्म रीजनल रूरल बैंक। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया, नरिशमन कमेटी ने। कब एस्टेब्लिश हुआ, 75 में। और इसका जो एक्ट जो पास हुआ वो कब हुआ, 76 में। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है, रूरल एरिया है, रूरल इकोनॉमी को बेटर ऑफ करना इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आरआरबी कितनी है, 82, और इसकी ब्रांचेस कितनी है, 16001, और सबसे ज्यादा आरआरबी की ब्रांचेस यूपी में है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है आरबीआई। आरबीआई को कब एस्टेब्लिश किया, 1935 में, और ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। फिर नेक्स्ट आपका आता है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसको कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया, क्रेफिकार्ड ने। क्रेफिकार्ड कमेटी की अध्यक्षता किसने की, बी शिवारामन जी ने। और कब आई ये आई थी आपकी 79 में। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या है कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, 82 में। कौन कौन सी ये इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है, कौन कौन सी संस्था से बना है, तो एडीसी, एसीडी एंड आरपीसीसी से मर्जिंग होकर ये बना है आपका नाबार्ड। ठीक है, उसके बाद में आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ, 45 में, और इसने कार्य करना कब शुरू किया, 46 में। फिर टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या है, पांच तरह की फार्मिंग है। स्पेशलाइज फार्मिंग, 50% से अधिक सिंगल एंटरप्राइज से आपका अगर इनकम हो रहा है स्पेशलाइज फार्मिंग। अगर डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, 50% से कम एक सिंगल एंटरप्राइज से अगर आपको इनकम हो रहा है तो वो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। और मिक्स्ड फार्मिंग, 10% से अधिक लेकिन 49% से अधिक
नहीं एक सिंगल एंटरप्राइज से, तो वो आपकी होगी मिक्स्ड फार्मिंग, रैंचिंग। रैंचिंग कोई फार्मिंग नहीं है, ये क्या है, एक पब्लिक एरिया होता है जहां पर ग्रेजिंग के लिए पशुओं को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर कोई क्रॉप राइज नहीं की जाती, क्रॉपिंग नहीं की जाती। फिर आपकी आती है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में क्या है, पहला है ड्राई फार्मिंग, 750 mm से कम बारिश तो ड्राई फार्मिंग। क्रॉप फेलियर की सबसे ज्यादा समस्या कहाँ, ड्राई फार्मिंग में। फिर नेक्स्ट आपका आता है ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग कहाँ पर होगी, 750 से 1150 mm जहाँ बारिश होगी वहां आपकी होगी ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग में क्या है, मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की आवश्यकता आपको पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आपका आता है रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग क्या, जहां 1150 mm से अधिक बारिश होगी वो आपकी होगी रेनफेड फार्मिंग। तो रेनफेड फार्मिंग में आपका क्या रहेगा, आपको वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की आपको आवश्यकता पड़ेगी, पानी को निष्कासित करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, उन सब क्वेश्चंस को कवर करने की मैंने कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।